करने वाली आदि पराशक्ति कहां गए? एक घटना मैं इससे पहले ही बताया और आपको बताता हूं कि भगवान दत्तात्रेय अपने जीवन में बहुत कम शिष्यों को किए हैं, जिसमें कार्तिकेय जी का नाम, परशुराम जी का नाम, जमदग्नि महामुनि आदि इन महर्षियों का नाम लिया जाता है। ये सब भगवान दत्तात्रेय के शिष्य थे, अत्रि महर्षि के पुत्र, अत्रि महर्षि अस्य माता के पुत्र और ब्रह्मा के मानस पुत्रों में श्रेष्ठ कहलाए जाने वाले भगवान दत्तात्रेय जो अपने ज्ञान को लेकर निष्पन्न होकर, यानी उनको इस संसार में कोई मोह नहीं था, कहते उनके ध्यान में कहा गया कि वो पिशाच घूमते थे, उनको किसी पर मोह नहीं था और ज्यादातर अपने शिष्यों को अपने पास नहीं आने देते थे, इसलिए उनका कभी ऐसा लगता था कि वो शराब पीते हुए वेश्याओं के साथ बैठे हुए, सारी स्त्रियों के साथ बैठे हुए, और उन्हें देखकर बहुत सारे लोग तो यूं ही चले गए। इसकी एक घटना के बारे में कहा जाता है कि जब कार्तिकेय अर्जुन भगवान दत्तात्रेय की सेवा में आए, महिष्मति नगर के कृतवीर्य के पुत्र कार्तिकेय अर्जुन शंकर चतुर्थी के अवश्य कृतवीर्य को महागणपति के कृपा से प्राप्त हुए और वे सुदर्शन अवतार कहलाए जाते हैं। इस सुदर्शन अवतार के बारे में भी कहानी कि एक बार विष्णु लक्ष्मी आदि वैकुंठ में बैठे हुए थे, उसने में नारद जी आए और भगवान विष्णु की प्रशंसा करने लगे, भगवान विष्णु आपने कितने दैत्यों को मारा है, कितने लोगों को शांति प्रदान की है, आपके उतना महान तो इस संसार में कोई है ही नहीं। इस प्रशंसा को देखते देखते जब भगवान सुदर्शन भी विष्णु जी के हाथ में थे, उन्होंने कहा कि हे नारद जी, इतनी भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हो, कभी ये तो याद रखो भगवान विष्णु ने जितने भी युद्ध जीते हैं वो तो मेरे कारण ही जीते हैं, मेरे सुदर्शन चक्र के कारण ही जीते हैं, कभी आप मेरा भी नाम लिया करो कि राक्षसों के संहार में मेरा भी नाम। विष्णु अपने मुख से हंसने लगे कि लगा सुदर्शन को, सुदर्शन चक्र को एक भ्रमण आ गया है कि मेरे बिना भगवान विष्णु राक्षसों का संहार नहीं कर सकते और किसी को जीत नहीं सकते। तब विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद कभी सुदर्शन चक्र की भी प्रशंसा किया करो, मैं क्या ये अच्छा लगता है, और क्या सुदर्शन की सचमुच अन्याय है, सुदर्शन को सच्चा सच्ची प्रशंसा और सच्चा गौरव मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, सुदर्शन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर महान व्यक्ति को होकर जन्म लो और तुम इस संसार में विष्णु से भी बढ़कर तुमने कार्य किया है, ऐसा संसार कहे ऐसा आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूँ। सुदर्शन चक्र जी ने पहले तो नहीं कहा, फिर बाद में उन्हें भी लगा कि मेरी भी प्रशंसा होनी चाहिए और पृथ्वी जी के पुत्र के रूप में कार्तिकेय के रूप में उनका जन्म हुआ। जब वे कार्तिकेय के रूप में जन्म हुए तो पहले ही संस्कृत होने के कारण वे गुरु को ढूंढने लगे और तब उस समय भगवान दत्तात्रेय ही इनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन दत्तात्रेय ने कहा, तू जो भी वर मांग मैं तुझे देने के लिए तैयार, मुझे आपकी सेवा और ही नहीं चाहिए, आप चाहिए बस। कार्तिकेय ने कहा, कार्तिकेय को दत्तात्रेय ने कहा, अरे ये कोई बात नहीं, मैंने तुझे इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि तू सारे संसार को सुखी रख सकता है, कल्याण कर सकता है, मेरे तपस्या का फल मैंने तुझे दिया है, तू जो चाहता है मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, तब तू लोक कल्याण कर, तुझे लगेगा कि संसार में क्या करना चाहिए, उस लोक कल्याण के लिए मैं तुझे प्रेरित करता हूँ और तू आगे बढ़। जब गुरु की आज्ञा का पालन करना ही होता है तो दत्तात्रेय भगवान के कहने पर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी चरणों में प्रार्थना करते हुए तीन वर मांगता हूँ। पहला वर है, मैं इस संसार में कभी भी अधर्म से नहीं हूँ और जो अधर्मी है वो लोगों को शिक्षा दे सकूं, अधर्मी लोगों को शिक्षा दे सकूं और मैं धर्म के मार्ग पर चलूं। दूसरा, मैं इस संसार में धार्मिक लोगों की, ऋषि लोगों की रक्षा कर सकूं, अधर्मियों को शिक्षा दे सकूं, धार्मिक लोगों को रक्षा कर सकूं। और तीसरा, और मैं मांगता हूं प्रभु कि संसार में जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही जरूर,
मैं भी मरने वाला हूँ एक ना एक दिन, लेकिन मैं कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी मरने वाली जिंदगी मृत्यु नहीं चाहता। मैं ऐसी मृत्यु चाहता हूँ संसार देखे कि मुझे मारने वाला संसार में सबसे श्रेष्ठ वीर हो, उसको कोई हराने वाला नहीं हो, ऐसे वीर के हाथ में मेरा मरण हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। क्योंकि गुरु का शिष्य था, उसे पता था कि हमें मरना है। और जब दत्तात्रेय जी ने कहा कि तथा तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा, कार्तिकेय को कहने के बाद दत्तात्रेय से कहने लगे कि प्रभु मैं आपको तो छोड़ के जाने वाला नहीं, ये सारा कार्य करूंगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा। अब दत्तात्रेय को लगा ये शिष्य तो मेरे को छोड़ने वाला नहीं है, इसे तो कैसा करना चाहिए। तब दत्तात्रेय जी ने आज मार्गशीर्ष द्वितीया के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उन्हें कहा कि मैं तुझे तू जब बुलाएगा जब भी मैं तेरे पास आऊंगा, मैं आज मेरे तीर्थ स्वरूप पादुकाओं को मैं तुझे प्रदान करता हूँ। और दत्तात्रेय जी ने अपने दोनों पादुकाओं को कार्तिकेय को देते हुए कहा मैं जिस प्रकार की पादुका की पूजा करता हूँ तू अगर वैसे पादुकाओं की पूजा करता है तो तुझे नित्य मैं तुझे दर्शन दूंगा। तब कार्तिकेय ने माना कि प्रभु अगर ये है तो मैं तुम जो कार्य करते हो मैं करूंगा। और पहली बार आज मार्गशीर्ष द्वितीया के दिन दत्तात्रेय भगवान ने पादुकाएं उनकी चरणों से लेकर उस दीक्षा को समर्पण की। आज वही दिन है ये मार्गशीर्ष द्वितीया। इसके बाद हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, हमारे बहुत सारे जानकार हैं जो माँ ललिताम्बा की श्री चक्र की उपासना करते हैं। श्री चक्र की उपासना वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश रुद्र इन सभी ने भी की है। जब आदिपरा शक्ति माँ ने माँ को लगा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी को भी लगा कि हमारे ऊपर भी कोई कंट्रोल करने वाला हो, कोई हमारे ऊपर भी शासन करने वाला हो, हमारे मार्गदर्शन करने वाला हो, तब माँ आदिपरा शक्ति ने ललिता का रूप धारण किया और शिव जी को बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में और ललिता के रूप में। ललिता का मतलब होता है लालित्य, माँ का रूप होता है, श्रुषि कृष्णरी का यौवनवान रूप होता है और बाला का बेटी का रूप होता है। इन तीनों रूपों में सुबह दोपहर और शाम दर्शन ले लिया। वे तीनों ही माता ललिता की पूजा करने लगे, लेकिन श्री चक्र की आराधना में सारे तब उनकी पूजा करते समय भी उनको तृप्ति नहीं हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि प्रभु तृप्ति नहीं हो रही है, क्या बात है, किस लिए? तब माँ आदिपराशक्ति कहती है कि तुम्हें तब तक तृप्ति नहीं होगी जब तक तुम्हें गुरु नहीं होगा, गुरु जब तक नहीं होगा। तो आज इसके बाद जब दत्तात्रेय जी भी दुर्वासा बाहु ने भी ललिता और इस श्री चक्र की उपासना के श्रेष्ठ साधक कह रहे थे जैसे लोपामुद्रा अगस्त महर्षि दत्तात्रेय जी और दुर्वासा बाहु ने आदि ऋषि श्री चक्र के उपासक कह रहे जाते हैं, तब उन्हें लगा कि अगर हमें ललिता माता की कृपा प्राप्त करना है तो क्या करना है, तो गुरु को होना, गुरु का होना जरूरी है। और वो भी आज यहाँ हमारे पास रामानंद जी बैठे हुए हैं, वो भी ललिता उपासक जमाने से रहे हैं, उन्हें भी पता है। लेकिन क्या है कि उसमें पहली बार पादुकान की दीक्षा की जाती है, गुरु पादुका की दीक्षा की जाती है, बिना पादुकान से दीक्षा के ललिता की उपासना की नहीं जाती। और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने जो रुद्र गणपति आदि थे, ललिता माता ने कहा कि तुम गुरु पद को प्राप्त करो और पादुकान से दीक्षा जब तक नहीं करते ललिता उपासना सिद्ध नहीं होगी। सभी लोगों को पता है कि श्री चक्र की उपासना बिना पादुकान दीक्षा के सिद्ध नहीं होती और ना वो कृपा प्रसाद की बात कहलाई जाती है। आज के दिन ही वो पादुकान दीक्षा का भी कोई संपन्न करवाया था, इसलिए एक गुरु पादुका सिद्धि दिवस एक श्रेष्ठ सिद्धि दिवस के रूप में जाने जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने कार्तिकेय अर्जुन को और ललिता माता ने इस पादुकान दीक्षा की श्रेष्ठता, इसमें कमलानंद नाथ को ऐसे गुरुपदों का नाम लिया जाता है और उन पादुकाओं की पादुका दीक्षा के बाद ही शिष्य की उपासना की जाती है। ऐसे इस श्रेष्ठ दिवस को गुरु पादुका सिद्धि दिवस कहा गया। कहते हैं कि पादुका सिद्धि दिवस जिसको हुई आज पादुका सिद्धि दिवस के बाद आप देखते हैं दत्तात्रेय के अवतार में आप गांडापुर जाओ, आप गिरनार पर्वत जाओ या आप माहौल के गढ़ रेणुका पर्वत जाओ तो वहां आपको दत्त पादुका ही मिलेगी। ये सब जिसके परशुराम भी उपासक थे। कहते हैं कि जब कार्तिक विराजन को परशुराम जी ने जब उनके पिता को कष्ट पहुंचाने पर मार दिया और रेणुका माता ने श्राप दिया
क्योंकि माता को मारने का पाप परशुराम जी पर था और अकारण बहुत सारे क्षत्रियों को मारने का पाप भी उनके ऊपर था। तो परशुराम बहुत चिंतित हो गए, अपने पिता जो गुरु रूप में जमदग्नि थे उनको प्रार्थना करे। तो जमदग्नि ने कहा मेरा तो मेरे तो प्राण चले गए, काफी रंग ने प्राण निकाल दिए, अब तुम्हें शरण जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है दत्तात्रेय, तुम भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाओ। तो जमदग्नि महाराज ने पूछा कि परशुराम जी कहते हैं कि दत्तात्रेय कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा दत्तात्रेय कहीं भी जंगलों में विंध्या पर्वत के जंगलों में घूमते हुए तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें पकड़ लेना। तब परशुराम जी ढूंढते ढूंढते गए, कहने पर पूछे कि दत्तात्रेय कहाँ रहते हैं? बोले वो जंगल में पेड़ के नीचे रहता है, तुम उसके पीछे कहीं पाए। बोला ऋषि क्या बात है, दत्तात्रेय महान गुरु है, हमारे पिता ने कहा है, सब लोग कहते हैं, जाओ पता चलेगा कि गुरु क्या है, जाके देखते क्या है। कि दत्तात्रेय मस्त शराब पिए हुए हैं, उनके आजू बाजू में चार पांच लड़कियां बैठी हुई हैं, कुत्ते बैठे हुए हैं, मस्त धुंध है। परशुराम गए, ये गुरु इनके चरणों में मैं जाके नमस्कार करूँगा, ये दत्तात्रेय नहीं हो सकते। उन्होंने कहा ए भाई तुम पीके पड़े हुए, दत्तात्रेय कहाँ है, तेरे को दत्तात्रेय क्या कर रहे, जा जा जाओ। अब कैसे फिर आए जमदग्नि महा एक बार बोले प्रभु मैंने क्यों ये तो बता दो दत्तात्रेय वो है जो पीने वाला पड़ा हुआ है, वहाँ चार स्त्रियों के साथ पड़ा हुआ है, कुत्तों के साथ पड़ा हुआ है, वो दत्तात्रेय है। बोले तू भ्रम में आ गया, वो तो किसी को शिष्य मान शिष्य बन के आने ही नहीं देते, तो भ्रम में पड़ा है तू, तो उस दिव्य शक्ति को दिव्य दृष्टि को जानता ही नहीं। एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरण में झुक जा, उनको नमस्कार कर, साष्टांग प्रणाम दा और कहे कि मुझको माया में मत डालो प्रभु, मुझे आगे करो, मुझे कुछ ना कुछ मार्ग बताओ। परशुराम जी गए, साष्टांग प्रणाम किया और कहा मैं जमदग्नि का पुत्र परशुराम, बहुत सारे पापों को अनाकारण इस पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश किया हूँ, अपने माँ को भी पिताजी के कहने पर मैंने मारा है, ये सारे पाप मेरे को बेचैन करते हैं, मुझे शांति नहीं प्रदान करते, मैं आपकी शरण में आया हूँ कि मुझे शांति का मार्ग बताओ। परशुराम जी बहुत अपने आंखों से पानी लाते हुए उस दत्तात्रेय जी के चरणों को धोने लगे, तो दत्तात्रेय उठकर खड़े हो गए और अपने निज स्वरूप में आकर कहा कि जो उनके पास वेश्याएं बैठी हुई थी वो चार वेद थे, सारी अप्सराएं उनकी चरण धोने के लिए आई थी, चार कुत्ते की भावना में जो थे चार शास्त्र थे। और दत्तात्रेय ने अपना निज स्वरूप बताकर कहा कि मेरे पीछे गायत्री खड़ी हुई है जो इनकी गाय के रूप में है, उस रूप को देखकर परशुराम जी प्रसन्न हुए और कहा कि मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, तो बोले किसके आया हूँ, सबसे पहली बात एक बता देता हूँ, बोलो क्या, कि मैंने आपके प्रिय शिष्य कार्तिक विराज को मैंने मारा है, क्या मैं इस पाप से कभी आगे आऊंगा, मैं इस पाप को धो सकूंगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके प्रिय शिष्य कार्तिक विराज को मैंने मारा है, मेरे को इस पाप से दूर करो, ये पहला पाप है मेरा और मैं आपके पास ही आया हूँ, इस पाप से धोने का मार्ग बताओ। तब दत्तात्रेय जी हंसे, फिर बोले दूसरा पाप माता को मारने का, तीसरा पाप सारे क्षत्रियों को अकारण मारा हूं इस पृथ्वी पर, जो पाप करे या ना करे एक क्षत्रिय गलती के करने के कारण मैंने सारे क्षत्रियों को सात बार पृथ्वी पर नहीं ऐसा किया, यह भी पाप, और इस पाप से मेरे को अशांति है, मैं अशांत रहता हूं, मुझे शांति प्रदान करने का मार्ग बताओ। तब दत्तात्रेय जी ने उसी दिन परशुराम जी को दीक्षा देते हुए पादुकांत दीक्षा देते हुए श्री चक्र की उपासना करते हुए वही पादुका उनको प्रदान की। अगर आप आज माहौर में जाते हैं माहौर क्षेत्र में तो आपको पादुका दीक्षाएं दत्तात्रेय की पादुका जिसने परशुराम जी ने उपासना की और उस माता का सर वहां आप देख सकते हैं, मातृकुंड को भी देख सकते हैं जहां माता के शरीर को धोया गया था सर काटने के बाद। ये जब इस पादुका दीक्षा को परशुराम जी ने लिया और पादुकाओं को पूजन किया और यही वही दिन था आज ये पादुका सिद्धि दिवस का, इसलिए कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा से भी श्रेष्ठ इस पादुका सिद्धि दिवस की श्रेष्ठ का है। जिसके घर में आज के दिन पादुकाओं का पूजन गुरु पादुकाओं का पूजन होता है और अपने सर पे गुरु पादुकाओं को रखकर जो आगे चलता है, उस संसार में कितने भी पापों को अपने सर पर धोने वाला हो उन पापों से मुक्त होकर अपने गुरु के साथ जन्म लेता है, गुरु के साथ ही जाता है, गुरु जितने बार भी जन्म लेते हैं तभी गुरु के साथ जन्म लेता है और गुरु नहीं रहते तो फिर वैकुंठ को जाता है, उसकी श्रेष्ठता है, वो कभी दरिद्र जीवन नहीं जीता और कभी गरीब ने बनकर नहीं जीता और कभी असमर्थ जीवन नहीं जीता, जिएगा तो सामर्थ्यवान जीवन जिएगा, असमर्थ जीवन नहीं जिएगा। यह भगवान दत्तात्रेय की आज गुरुपाद का सिद्धि दिवस की श्रेष्ठता है। गुरु जी कहते हैं कि आज गुरुपादुकाओं का पूजन जो करता है उसकी कुंडलिनी जागरण स्वतः ही
स्वतः ही उसकी कुंडली जागरण हो जाती है।